أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। आज हम सेवन्थ क्लास की इस्लामियात की बुक से सेकेंड टर्म स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर फिफ्थ इस्लाम में इबादत का तसव्वुर इसको देखते हैं। इबादत अब्द से है। इबादत का मफहूम गुलामी बंदगी या फरमाबरदारी है। इबादत का मफहूम गुलामी बंदगी या फरमाबरदारी है। जो शख्स बहुत ज़्यादा इबादत करता है उसे आबिद कहा जाता है। इस्लाम में इबादत का लफ्ज़ इंसान के हर इस अमल गुफ्तगू और सोच के लिए इस्तेमाल होता है जिसका मकसद अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना और अपनी आजजी व इंकिसारी का इजहार करना है। इस्लाम में इबादत का तसव्वुर बहुत वसी है। अगरचे इस्लाम ने नमाज रोज़ा ज़कात और हज के लिए इबादत हज के ज़रिए इबादत का एक जामे निज़ाम तरतीब दिया है, ताहम इनके अलावा दीगर इखलाकी मुआशी और मुआशरती तालीमात पर अमल करना भी इबादत है। ये बात अक्सर देखने में आती है कि जो पाँच अरकान इस्लाम है कलमा तैयबा नमाज रोज़ा ज़कात हज इसको ही सिर्फ इबादत मान लिया जाता है और इसके अलावा जो बाकी मामलात हैं वो इबादत के से हट के हम वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं होती। बस नमाज़ पढ़ ली, रमज़ान शरीफ के रोज़े रख लिए और हज कर दिया या इस तरह से एक दो मामलात और बस जी बंदा पक्का मोमिन है। नहीं, इस्लाम ने हमारी ज़िंदगी का कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ पर हमारी रहनुमाई ना की हो। अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहि सलात व सलाम के ज़रिए हमारी ज़िंदगी के हर मामले में हर एक लम्हे के लिए हमारी रहनुमाई फरमाई, तो हमें उन रहनुमाई पर अमल करना चाहिए और उससे उन तालीमात से हमें रहनुमाई लेकर उस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहिए। हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद की अदायगी भी अल्लाह ताला की इबादत में शामिल है। हुकूकुल्लाह अल्लाह के हुकूक, हुकूकुल इबाद अल्लाह के बंदों के हुकूक, यानी एक हुकूक इंसान के ऊपर दो किस्म के हुकूक लाजिम हैं। एक है हुकूकुल्लाह यानी अल्लाह के जो बंदों पर हुकूक है उसको हुकूकुल्लाह कहते हैं, जैसे अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना, अल्लाह की बातों को मानना, अल्लाह के अहकामात पे अमल करना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना और वो काम जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है उन कामों को करना और जिन कामों से बचने का हुक्म दिया उनसे बचना, ये हुकूकुल्लाह है। और हुकूकुल इबाद क्या है? एक बंदे के दूसरे बंदों के हुकूक, ये हुकूकुल इबाद है, जिसमें पड़ोसियों के हुकूक, मेहमानों के हुकूक, हमसायों के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक, औलाद के हुकूक, वालिदैन के हुकूक, इस तरह से। तो हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद की अदायगी भी अल्लाह ताला की इबादत में शामिल है। अलगर्ज हर वो अमल जिसके सर अंजाम देने से अल्लाह राज़ी हो या इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरी हो इबादत कहलाता है। इंसान की तख्लीक का मकसद अल्लाह ताला ही की इबादत करना है। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। इरशाद बारी ताला है वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, और मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए ही पैदा फरमाया। इस्लाम में इबादत का तसव्वुर, इंसानी ज़िंदगी की गर्ज़ व ग़ायत ही अल्लाह ताला की इबादत व बंदगी है। आम तौर पर लोग चंद मखसूस आमाल की अदायगी को ही इबादत समझ लेते हैं, जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज की अदायगी वगैरह, लेकिन ये इबादत का महदूद तसव्वुर है। अब अक्सर देखने में आता है कि एक बंदा हज करके आ जाता है, लेकिन हज करके आता है और आकर फिर वो वैसे ही वो कारोबारी बेईमानियाँ, फिर वही झूठ, फिर वही गाली गलौज, फिर वही जनाब दूसरों के बारे में जो है वो बुरे नज़रियात रखना, बुरी सोच रखना, दूसरों को नुकसान पहुँचाना। इसी तरह देखने में आता है कि बंदा पांच वक्त की नमाज़ तो पढ़ता है, लेकिन नमाज जो ही नमाज पढ़ के आया आके फिर अपने कारोबारी हेर फेर शुरू कर दिया, फिर वही झूठ बोलना शुरू कर दिया। एक बंदा रोज़े तो रखता है, लेकिन जो ही रमज़ान के रोज़े गुजरते हैं फिर वही उसकी रूटीन हो जाती है गुनाहों वाली। तो ऐसा नहीं है,
ये सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज ही इबादत नहीं है, बल्कि सच बोलना भी इबादत है, झूठ से बचना भी इबादत है, ईमानदारी ये भी इबादत है। इसी तरह वादा पूरा करना, अगर किसी के साथ कोई बात की है तो उस बात को पूरा करना, ये भी इबादत में शामिल है। अगर किसी ने किसी बंदे को ईमानदार समझकर, शरीफ नफ्स समझकर अपने कोई पैसे, अपने कोई चीज़ अमानत के तौर पर उसके पास रखवा दी, तो उसकी हिफाजत करना और बाई नहीं यानी उसी तरीके से उसको वापस लौटा देना, ये भी इबादत है। वालिदैन का अदब, ये भी इबादत में शामिल है। अक्सर ये भी अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, देखने में आया कि जनाब वो एक लोगों को तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें और बड़ी तबलीग और बड़ा कुछ होता है, लेकिन जो ही घर में जाते हैं माँ बाप के साथ जो वास्ता पड़ता है या माँ बाप के साथ के सामना होता है, और फिर वो सारी वो इस्लामी तालीमात भूल जाते हैं और वो सारा कुछ वो एक तरफ रख देते हैं, ऐसा नहीं है। माँ बाप की खिदमत करना ये भी इबादत में शामिल है। यहाँ तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो माँ बाप को एक नज़र देखे उसको एक हज का सवाब। सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दो मरतबा देखे, आपने फरमाया उसको दो हज का सवाब। और हज एक आम आजकल हज के दिन हैं, अल्लाह ताला सब का हज कबूल फरमाए, अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए, सबको हज की बरकतें अता फरमाए, लेकिन ऐसा भी सुनने में आया है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हज करते हैं लेकिन उनका हज कबूल नहीं होता। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर इरशाद फरमाया कि जो वालिदैन की मोहब्बत की निगाह से अपने वालिदैन को, दोनों को या दोनों में से किसी एक को देखे, तो अल्लाह ताला उसको मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है, यानी वो हज जो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो चुका उसका सवाब उसको अता फरमाता है। लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं है, अब ये भी इबादत में शामिल है। इलम हासिल करना ये भी इबादत है। इलम हासिल करना इस बात के लिए कि हम जान सकें कि हम दुनिया में क्यों आए, अल्लाह ने हमें हम दुनिया में क्यों भेजा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या हैं, अल्लाह के हमारे ऊपर हुकूक क्या हैं, नमाज अदा करना किस तरह नमाज अदा करनी चाहिए, अगर हमारे पास माल है तो उस माल की ज़कात किस तरह अदा करनी चाहिए, अगर हमारे पास अल्लाह ने कुछ हमें माल दिया है तो हम गरीबों की मदद कर सकते हैं, किस अंदाज से कर सकते हैं। इस तरह के अगर कोई बंदा कारोबार कर रहा है तो कारोबार में वो देखे कि कारोबार जो है उसमें कौन से पहलू हलाल के हैं और कौन से पहलू जो हैं वो हराम के हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कारोबार तो कर रहा हूँ, पैसे लगा के कारोबार तो करता हूँ, लेकिन मेरी कोई ऐसी हरकत, मेरी कोई ऐसी कोई वजह बन जाए कि मेरा वो कारोबार करना, वो जो कमाई है वो हराम हो जाए, तो कारोबार करने का क्या अंदाज़ है, इस्लामी तालीमात क्या हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन क्या हैं, इन सब का इल्म हासिल करना ये भी इबादत में शामिल है। इसी तरह अगर कोई बंदा अपने घर में रहता है तो उसको पता होना चाहिए कि औलाद के हुकूक क्या हैं, उसको ये पता होना चाहिए कि माँ बाप के हुकूक क्या हैं, उसको ये पता होना चाहिए कि बहन भाइयों के हुकूक क्या हैं, अब उसको ये पता होना चाहिए कि हमसायों के हुकूक क्या हैं और रास्ते के हुकूक क्या हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रास्ते के हुकूक भी अता जो इरशाद फरमाए हैं कि रास्ते में जब आप चल रहे हों तो रास्ते में कोई ऐसी तकलीफ दे चीज़ ना फेंके जिससे दूसरे नुकसान उठा सकें, दूसरों को दुश्वारी हो, दूसरों को तकलीफ़ हो। बहुत से ऐसा देखा है कि अक्सर वो बच्चे होते हैं या कई बड़ों को भी देखा है कि वो कोई फ्रूट खाते हैं तो उसके छिलके जो हैं वो रोड के ऊपर फेंक देते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जैसे मिसाल के तौर पर कोई चीज़ खाई उसका रैपर फेंक दिया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, बल्कि यहाँ तक इरशाद फरमाया कि जो रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को हटा दे अल्लाह उसको भी नेकियाँ अता फरमाता है। आप जा रहे हैं रास्ते में कोई ईंट का वो ईंट पड़ी हुई है, कोई पत्थर पड़ा हुआ है, आपको यानी कि जहन में ख्याल आए कि यहाँ से कोई किसी का पाँव टकरा सकता है या किसी की बाइक यहाँ से स्लिप हो सकती है या किसी को चोट आ सकती है, तो इस सोच को लेकर आप उस पत्थर को उठाकर साइड पर रख दें, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा ये अमल ये भी इबादत में शामिल है और तुम्हारे इस अमल पर तुम्हें 10 नेकियां मिलेंगी। तो इन सब तालीमात का इल्म हासिल करना ये भी इबादत में शामिल है। इसी तरह किसी को सही रास्ता बता देना,
किसी को अगर कोई भूला भटका हुआ है, किसी को रास्ता नहीं मालूम, तो आप उसको सही रास्ता बता दें तो ये भी इबादत में शामिल है। इसी तरह सदका और खैरात करना, ये भी इबादत में शामिल है। सुलह करवा देना, दो दोस्त आपस में लड़ पड़े, दो अजीज़ और रिश्तेदार आपस में किसी बात पर नाराज़ हो गए, किसी का आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तो आपको अगर अल्लाह ने तौफीक दी है, आपकी अगर अंदर सलाहियत है या आप कोशिश करें कि उनकी सुलह करवा दें, तो आपका ये अमल ये भी इबादत में शामिल होगा। इसी तरह किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा कर देना, ये भी इबादत में शामिल है। यानी कि अगर कोई रास्ते में आप देखें कोई बड़ी उम्र का के बाबा जी जा रहे हैं या अम्मा जी जा रही हैं, उनके पास कोई सामान है, चलने में दुश्वारी है, तो आप उनका सामान उठा के उनके घर तक छोड़ाएं, उनकी हेल्प करें, उनकी मदद करें। इसी तरह अगर किसी को कोई मुसीबत किसी पे कोई आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो आप उसकी परेशानी दूर करने में उसकी मदद करें, और अगर कोई परेशान हाल है तो उसकी परेशानी को दूर करने में उसकी मदद करें, कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी ज़रूरत पूरी करें, ये भी सब कुछ इबादत में शामिल है। इसी तरह बीमार की मिजाज पुरसी करना, अगर कोई बीमार है तो उसकी इयादत के लिए जाना, उसकी मिजाज पुरसी करना, ये भी इबादत में शामिल है। मेहमान नवाजी करना, मेहमान घर में कोई आ जाए, कोई अजीज रिश्तेदार आ जाए, तो उनकी खातर मदारात करना, ये भी इबादत में शामिल है। आप जितना उनके लिए आप सही करेंगे, कोशिश करेंगे, तो आपको अल्लाह ताला उसका अजर व सवाब देगा, और वो आप जाते हुए आपको ढेरों दुआएं और बरकतें अता फरमा के जाएगा। इसी तरह हमसायों के हुकूक अदा करना, ये भी इबादत में शामिल है। इसी तरह और भी बहुत से मामलात हैं जो इबादत में शामिल हैं। ये सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज को इबादत समझ लेना, यही सिर्फ इबादत नहीं है। नो डाउट ये इबादत है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है। क्यों? कि अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब देखें ना, नमाज है वो दिन में 5 मरतबा अदा करनी है। अब नमाज दिन में 5 मरतबा अदा करनी, उसके बाद जो मर्जी करते फिरे, ऐसा नहीं है। रमज़ान के रोज़े हैं तो साल में 1 महीना आते हैं, अब साल बाद रमज़ान के रोज़े रखे और उसके बाद जो मर्जी करते फिरे, ऐसा नहीं है। हज है वो साहिब इस्तेदात पर ज़िंदगी में 1 मरतबा अदा करना फ़र्ज है। अब जिस बंदे ने हज कर लिया, अब उसके लिए सब कुछ माफ़ी है, जो मर्जी करता फिरे। ज़कात है साहिब निसाब पर साल में 1 मरतबा अदा करना फ़र्ज है। अगर उसने ज़कात अदा कर दी तो अब जो मर्ज़ी करता फिरे, मिलावट करे जनाब, वो ज़खीरा दोज़ी करे, जो कुछ उसका दिल चाहे वो करे, वो उसको सब माफ़ी है, ऐसा नहीं है। बल्कि हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा हमारा, हम इसको अगर चाहें तो इबादत बना सकते हैं। क्यों? कि कायनात की हर एक चीज़, चिरिंद, परिंद, ये दरख्त, ये पौधे, ये दीवारें, ये पत्थर, ये पहाड़, ये हर एक चीज़ अल्लाह ताला की इबादत करती है। तो इंसान को तो अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, इंसान को तमाम मखलूकात पर फजीलत अल्लाह ताला ने अता फरमाई, तो फिर हमारे लिए तो फिर उनसे बहुत ज़्यादा इबादत करने की ज़रूरत है। हमें तो फिर अपना एक एक लम्हा जो है वो इबादत में गुजारना चाहिए। और वो किस तरीके से हम कर सकते हैं? वो तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सुन्नत है। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम वो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करेंगे, तो वही काम हमारा इबादत में तसव्वुर किया जाएगा, वही काम हमारा इबादत में शामिल होगा और हमें उस पर सवाब मिलेगा। मिसाल देता हूँ, अगर हम भूख लगी है, मुझे भूख लगी है और मैं अगर खाना खाने बैठने लगा हूँ, तो अब खाना तो मैंने खाना है क्योंकि मेरी ज़रूरत है, मुझे भूख लगी है, नहीं खाऊँगा तो मेरी तबीयत बिगड़ सकती है। अब मैं खाना तो मैंने खाना है, और अगर खाना वो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके के मुताबिक अगर खाऊंगा, तो फिर खाना खाने से मेरा पेट भी भर जाएगा, लेकिन आप सल्लम की सुन्नत पे अमल करने के बदले में अल्लाह मुझे इबादत का सवाब भी अता फरमाएगा, मुझे नेकियां भी अता फरमाएगा। तो इसी तरीके से अगर मैंने कोई किसी के साथ गुफ्तगू करनी है, तो गुफ्तगू करनी है तो मेरी एक ज़रूरत है, मैं किसी का हाल पूछने के लिए गया हूँ, मैं किसी के साथ कोई बात करने के लिए गया हूँ, या अपना कोई अपना अपनी सोच या अपनी कोई बात किसी के साथ तबादला ख्याल करने के लिए गया हूँ, तो वो तो मैंने करना है, लेकिन वो देखूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू करने का अंदाज़ कैसा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह गुफ्तगू फरमाया करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अंदाज़ में बात किया करते थे, अगर मैं उसी बात को, उसी चीज़ को, उसी सुन्नत को अपने जहन में रखकर उसके मुताबिक बात करूँगा, गुफ्तगू करूँगा, तो मेरा काम भी हो जाएगा और मुझे इबादत का सवाब भी मिलेगा।
अगर इस तसव्वुर को दुरुस्त मान लिया जाए, यानी नमाज रोज़ा ज़कात को ही सिर्फ इबादत मान लिया जाए और इस तसव्वुर को दुरुस्त मान लिया जाए, तो इंसान की ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह ने उसको इबादत के लिए पैदा फरमाया, और वो तो सिर्फ दिन में 4-5 मरतबा बस इबादत, उसके अलावा, और वो भी अल्लाह ताला जिसको तौफीक दे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 5 वक्त की नमाज नहीं अदा करते, कोई पढ़ते भी हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो दो तीन टाइम की नमाज़ पढ़ देते हैं, 5 वक्त की बहुत कम लोग पढ़ते हैं। तो फिर इसका मतलब है तो कुछ है ही नहीं हमारा, तो हम भी दुनिया में आए क्या लेने, हमारा मकसद क्या है, अल्लाह ने हमें भेजा क्यों है, इस बात को देखना चाहिए। अब मुमकिन नहीं है कि अगर वो सिर्फ नमाज रोज़ा ज़कात हज को ही इबादत मान ले तो ये तसव्वुर दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि वो हर वक्त नमाज पढ़ता रहे, क्योंकि अल्लाह ने तो हर वक्त इबादत के लिए पैदा किया, रोज़ाना रोज़ा रखता रहे और कोई दूसरा काम ना करे। एक दफ़ा हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो बहुत इबादत गुजार बंदे थे, उनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि वो शब रोज़ यानी दिन रात इबादत में मसरूफ़ रहते हैं, दिन को रोज़ा रखते हैं और रात को नमाज के लिए खड़े रहते हैं, और बाकी किसी चीज़ से इनको कोई वास्ता नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बुलाकर पूछा कि उस्मान तुम मेरे रास्ते से क्यों हट गए हो? उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम मैं नहीं हटा हूँ, मैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके का पैरोकार हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई मैं तो सोता भी हूँ और नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं नफली रोज़ा भी रखता हूँ और कभी छोड़ भी देता हूँ, और मैंने निकाह भी किया है, मेरी औलाद भी है, तो ऐ उस्मान अल्लाह से डरो, तुम्हारे अहलो अयाल का भी तुम पर हक है, तुम्हारे मेहमान का भी तुम पर हक है, और तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है। अब देखें ना, हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या करते थे कि सारा दिन रोज़ा रखा, इबादत में मसरूफ़ रहे, सारी रात खड़े होकर नमाज अदा की, अल्लाह के कुरान की तिलावत की, और इसके अलावा किसी चीज़ से उनको कोई ताल्लुक नहीं था, ये इबादत है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ यही इबादत नहीं है, बल्कि तुम्हारी ऊपर जो अल्लाह ताला ने जिम्मेदारियाँ डाली हैं, तुम्हारी बीवी बच्चों की, तुम्हारे अहले खाना की, तुम्हारे माँ बाप की, उन जिम्मेदारियों को पूरा करना भी इबादत में शामिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिर्फ हर वक्त नमाज रोज़े में मशगूल रहना इबादत नहीं है, बल्कि ज़िंदगी के तमाम कामों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक सर अंजाम देना दरअसल इबादत है। यानी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना दरअसल इबादत है। इस्लाम में तबलीग दीन यानी दीन का पैगाम दूसरों तक पहुँचाना और जिहाद फी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह के रास्ते में लड़ना, अल्लाह के लिए लड़ना, अल्लाह के दीन के लिए लड़ना बहुत अहम इबादत है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में दयानतदारी, सच्चाई, अदल व इंसाफ, वादे की पाबंदी, कस्ब हलाल यानी हलाल रोज़ी कमाना, हलाल रिस्क कमाना, हलाल रिस्क से खुद भी खाना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालना, ये भी इबादत में शामिल है। हुकूकुल इबाद की अदायगी, सब्र व इस्तिक़लाल यानी कोई परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई दुख तकलीफ़ पहुंच जाए, तो उस पर वावेला ना करना, उस पर वो शोर ना मचाना, हाय वाय नहीं करना, बल्कि सब्र करना, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना, अल्लाह से दुआएं इल्तिजा करना, सब्र की दुआ करना, ये भी इबादत में शामिल है। अफ़ू व दरगुज़र, अगर आपके साथ किसी ने कोई ज़्यादती कर दी, किसी ने आपका हक मार लिया, हक तलफी की, किसी ने आप पे जुल्म किया, आपकी चीज़ पे कब्ज़ा कर लिया, या किसी भी हवाले से आपको तकलीफ़ दी, तो उस पर उसको सब्र से बर्दाश्त करना, उसको मुआफ़ कर देना, दरगुज़र करना, ये भी इबादत में शामिल है। सदका और खैरात करना इबादत में शामिल है, और इसार और कुर्बानी यानी अपनी ज़ात पर दूसरों को तरजीह देना, अपनी ज़ात पर दूसरों को तरजीह देना, ये भी इबादत में शामिल है। अगर किसी को परेशान देखा, किसी को मुसीबत में देखा, किसी को तकलीफ़ में देखा, तो अपनी राहत भूलकर उसकी तकलीफ़ दूर करने की कोशिश में लग जाना, ये भी इबादत में शामिल है। गैर मुस्लिमों से हुस्न सलूक, यानी गैर मुस्लिम जो हैं
उनसे हुस्न सलूक करना, ये भी इबादत में शामिल है। इसकी ये इस्लाम हुस्न सलूक से फैला, इस्लाम तलवार से भी फैला है, लेकिन हुस्न सलूक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न इखलाक ही था कि लोग अपने जो दीन था, उनका जो दीन, पुराना दीन जिनके ऊपर वो बा कहते थे हमारे बाप दादा, हमने अपने बाप दादा को इन्हीं बुतों की पूजा करते देखा, तो उन उस दीन को छोड़कर जिद के साथ वहाँ पे अटके हुए थे कि हमने अपने बाप दादा को इसी दीन की, इसी बुतों की पूजा करते देखा, इसी तरीके पे देखा, हम कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न इखलाक से मुतासिर होकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ग़ज़वा हुनैन के मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने फतह अता फरमाई तो हज़ारों की तादाद में लोग पकड़े, कैदी बनाए गए, जिसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से मशवरा करके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से एक कबीला बनुसाद को, तो उनके अफराद को रिहा कर दिया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के हुस्न अखलाक से इतना मुतासिर हुए कि पूरे का पूरा कबीला मुसलमान हो गया, और फिर उन्होंने वो सिफारिश की कि हुजूर दूसरे कबीले वाले जो हैं आपकी मेहरबानी, आप शफकत फरमाएं, उनको भी रिहा कर दें, आपसे फरमाया जाओ उनको भी रिहा कर दो, उनको रिहा किया, वो भी इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। फतेह मक्का के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो पुराने दुश्मन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी किया करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ और दुख पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआफ़ फरमाया, और वो इतने मुतासिर हुए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक से कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो गैर मुस्लिमों से हुस्न सलूक ये भी इबादत में शामिल है, और जानवरों पर रहम करना भी नेक अमाल में शामिल है। अपनी जिम्मेदारियों को लगन और मेहनत के साथ खुलूस नीयत से अदा करना भी इबादत में शामिल है, यानी कि जो जिम्मेदारियां अल्लाह ताला ने आपके ज़िम्मे लगाई हैं, या आप किसी फैक्ट्री में, किसी ऑफिस में कहीं जॉब करते हैं, तो आपके मालिक ने, आपके बॉस ने, आपके ऑफिसर ने आपके ज़िम्मे जो जिम्मेदारी लगाई है उसको खुलूस नीयत से पूरा करना, ये भी इबादत में शामिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हर अच्छा काम नेकी है, तुम्हारा किसी भाई की तरफ देखकर मुस्कुराना भी नेकी है, किसी भाई की तरफ देखकर मुस्कुराना, खुश होना ये भी नेकी है, और रास्ते से तकलीफ दे चीज़ का हटा देना भी नेकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया कि क्या मैं तुमको रोज़ा, नमाज और ज़कात से बढ़कर दर्जा वाली चीज़ ना बताऊं? सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह क्यों नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लोगों के दरमियान सुलह करवाना, लोगों के दरमियान सुलह करवाना कि अमल नमाज, रोज़ा, ज़कात इनसे बढ़कर इसका दर्जा है। मुख्तसर ये कि कोई भी काम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किया जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे हसना को सामने रख कर किया जाए तो ये ऐन इबादत है। कोई भी काम, वो काम तो आपने करना ही है, लेकिन वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक किया जाए, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे हसना के मुताबिक किया जाए तो वही काम इबादत में शामिल हो जाएगा। अब इबादत की अजमत व फजीलत क्या है, इबादत करने से क्या हासिल होता है? नेकियां तो हासिल होती हैं, अल्लाह का फजल तो हासिल होता है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा तो हासिल होती है, कल क़यामत के रोज़ उसकी जजा भी मिलेगी, लेकिन दुनिया में क्या होगा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं बेशक अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। जब बंदा अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ हो जाता है, हर काम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक करने की कोशिश करता है तो अल्लाह की तरफ से उसको सुकून कल्ब नसीब हो जाता है, फिर वो इत्मीनान कल्ब की दौलत से मालामाल हो जाता है, फिर उसका दिल मुतमईन रहता है, बेचैन नहीं रहता, परेशान नहीं और होता, हर हाल में फिर वो सुखी रहता है, अल्लाह की रज़ा में खुश रहता है। इबादत इंसान और उसके परवरदिगार के दरमियान एक ताल्लुक है। इबादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अल्लाह ताला के फजल व करम के हुसूल का ज़रिया है।
इबादत इंसान को आजजी और इंकिसारी सिखाती है और इसमें एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करती है। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना और उसके दिए हुए माल से अल्लाह की राह में खर्च करना इबादत का अहम हिस्सा है। भाई हमें ज़िंदगी अल्लाह ने दी, ज़िंदगी की तमाम नेमतें अल्लाह ने दी, ज़िंदगी की तमाम सहूलियात अल्लाह ने अता फरमाई। हमारा हम जो सांस ले रहे हैं ये भी अल्लाह का फ़ज़ल है। हम जो किसी को देखते हैं, जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो कुछ भी इस दुनिया में हमारे इर्द गिर्द मौजूद है वो अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा हमें ये नेमत है, तो फिर इस नेमत का शुक्रिया तो अदा करना चाहिए। मैं एक बात अक्सर बच्चों से कहा करता हूँ कि अगर मुझे को मैं किसी बच्चे को कहता हूँ कि मुझे एक गिलास पानी ला के दें, अब वो मुझे अगर पानी एक गिलास ला के देता है तो मैं उसको क्या कहता हूँ? थैंक यू बेटा, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुम्हें जज़ा दे, अल्लाह तुम्हें बेहतर अजर दे, बेहतर बदला दे। अब जिस बच्चे ने एक पानी मुझे वहाँ से पकड़ के यहाँ ला के दिया तो मैं तो उसका तो थैंकफुल हूँ, उसका तो शुक्रगुजार हूँ। तो जिस कायनात के रब ने मुझे ज़िंदगी दी और ज़िंदगी की तमाम सहूलियात अता फरमाई, तो फिर क्या मुझे उसका शुक्रगुजार नहीं होना चाहिए? फिर क्या मुझे उसके सामने अपने सर को नहीं झुकाना चाहिए? फिर क्या मुझे उसकी बड़ाई बयान नहीं करनी चाहिए, उसकी किबरियाई बयान नहीं करनी चाहिए, उसकी पाकी नहीं बोलनी चाहिए? ज़रूर करनी चाहिए। ये जो अल्लाह ताला के हम पर एहसानात हैं, हम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते लेकिन कोशिश ज़रूर कर सकते हैं नमाज अदा करके, झूठ से बच कर, सच बोल कर, माँ बाप की खिदमत करके, नमाज कायम करके, अल्लाह की राह में खर्च करके, लोगों के साथ अच्छा सलूक करके हम अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं। इबादत इंसान को शैतान के चुंगल से निजात का ज़रिया मुहैया करती है, यानी इबादत करने से अल्लाह का उसको कुर्ब हासिल होता है, एक बंदे को अल्लाह का फ़ज़ल हासिल होता है। इबादत के ज़रिए इंसान के ऊपर अल्लाह की रहमतें बरसना शुरू हो जाती हैं, फिर शैतान के वार उस पर असर नहीं करते। फिर शैतान जब हमला करता है तो अल्लाह का फ़ज़ल उस बंदे के साथ होता है, वो उसका हमला ज़ायल हो जाता है। शैतान के हमले से, शैतान के वार से बंदा बच जाता है इबादत के ज़रिए। कायनात की तमाम मखलूकात अपने अपने अंदाज में अल्लाह की इबादत करती हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, इसलिए इसे हर चीज़ से बढ़कर अपने खालिक व मालिक की इबादत करनी चाहिए। ये था आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा सबक, इस्लाम में इबादत का तसव्वुर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।